Thank <laughs> you. थोड़े दिन रहे हो रहे थे शादी थोड़े गरीबी हालती हाल सहारा, बहुरा सहारा तसे तक सब कुछ खत्म हो गया अबे क्या रेहना अब बड़ी बुरी हालत नी जैसी हालतें आनी तेसी हालती कोई मत रहे जब हमारे चाचू के लड़के मनोहर जी सोमवार को शाम को गए पांच तारीख को अपनी अधवारी भित्ती में तो वहाँ से सुबह उसने खचरे लानी थी और काम पे जाना था तो साढ़े सात बजे उसने फ़ोन किया सात इक्कीस पे जिसके काम पर जाना था उसने उसको कि भाई मैं आ रहा हूँ मैं नौ बजे पहुँच जाऊँगा तो मतलब कि दोबारा जिस लड़के का काम पर उसने जाना था उसने उसको आठ बजे फ़ोन रिप्लेस किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ गया फ़ोन स्विच ऑफ़ आ गया तो फिर मतलब कि उसने किसी को फ़ोन नहीं की शायद वो नहीं आया होगा तो फिर मतलब कि यहाँ घर में भी नहीं तो फिर दूसरे दिन बुधवार को मंगलवार की रात को उसकी खचरे जंगल में रही रही तो जब वो बुधवार को दूसरे दिन ऊपर भीती अधारी में रिप्लेस खचरे अपनी अधवारी में पहुंची तो वहाँ हमारे चाचू की साली की लड़की होती है उसने फोन किया हमारे चाचू को कि मास जी मनोर अधवारी में नहीं आया और उसकी खचरे आई हैं तो चाचू जी और हम सब ने बुधवार को उसको ढूंढा रात को ढूंढा दिन को ढूंढा वो नहीं मिला तो फिर वीरवार को सुबह हम काफ़ी लोग गए तो हमने वीरवार को सुबह ढूंढा फिर वहाँ से हम रिप्लेस आए तो दस बजे हमने पुलिस थाना के हार में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के साथ हमारे साथ चले और वीरवार को ढूंढा देन को रात को वो नहीं मिला तो शुक्रवार को फिर हमने उसको ढूंढा तो मतलब कि हमें गांव खद्रोगा में ये उसका शरीफ का घर है और उसका परिवार रहता है और वहाँ से एक किलोमीटर दूर हलाड़ी नाला पड़ता है उस नाले में जब पुलिस और लोगों ने सर्च ऑपरेशन किया तो वहाँ पे एक जूता पाया हमने जूता पहचाना कि वो जूता हमारे भाई का था एक जूता मिला था तो फिर उस जूते के आधार पर हमने सोचा इसी नाले में बहा दिया होगा तो फिर एक जगह हमने देखा कि पानी में जूते की दस मीट मीटर की दूरी पर वहाँ पत्थर इकट्ठे किए हुए थे हमको लगा शायद यहाँ पानी में दबाया होगा तो पुलिस टीम भी थी और लोग भी थे हम सब थे और हमने लकड़ी से उस पत्थर को थोड़ा सा हटाया तो वहाँ पानी में हमें बाल दिखे बाल दिखे तो फिर फॉरेंसिक टीम को बुलाया डीएसपी साहब आए एसएचओ साहब सभी पूरी टीम आ गई मतलब कि तो फिर जब फॉरेंसिक टीम ने मतलब कि निकाला तो तीन जगह पे मतलब कि बॉडी को दबाया था मतलब कि उसके साथ टुकड़े करके तीन जगह पे रखे गए थे तो मतलब कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए मैं सरकार से प्रशासन से मीडिया से विपक्ष से राजनीति करने वालों से सभी से यही गुहार करता हूँ कि मेरे चाचू चाची को इंसाफ मिलना चाहिए अभी मतलब कि जब हमारी चाची कहीं भी किसी के सामने भी अपने बेटे की फ़ोटो देखती है तो वो एकदम बेहोश हो जाती है तो मतलब कि अगर इसको न्याय मिले तो शायद ये भी चार दिन ठंडा पानी पी ले न्याय किस तरह न्याय हम मतलब कि उन कातिलों ने अब हमारे भाई के साथ टुकड़े किए हैं और ये एक एक ही परिवार का काम है और मतलब कि वो परिवार बहशी दिंदा है पहले से ही पचास लोगों ने के साथ उसके कोर्ट में केस भी होंगे तो मतलब कि वो किसी को नहीं सुख देता था पहले भी क्योंकि उसने सरकारी भूमि पर कब्ज़ा किया था हमारी माँ बहनें पत्नियाँ जब घास काटने जाती थी तो उनकी औरतें और लड़के मतलब कि डंडे दराट लेकर के उनके पीछे दौड़ते थे तो जब ऐसा था मतलब कि तो उसको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए उनको हमारा सबसे यही उम्मीद करते हैं